आम को फलों का राजा कहा जाता है क्योंकि कोई भी फल आम के स्वाद को छू नहीं सकता। इसलिए जब बगीचे में आम लगने शुरू होते हैं तो इसकी रखवाली का भी खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि आम की रखवाली करने के लिए खूंखार कुत्तों और बंदूकधारी गार्ड्स को तैनात किया गया है, या फिर इस बगीचे में ऐसा क्या खास है कि इसे Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है? चौंक गए ना? जी हाँ, ये सुरक्षा कवच किसी खास के लिए नहीं बल्कि आमों के लिए है, और वो भी खाने वाला आम। जबलपुर के संकल्प परिहार ने आम के पेड़ों की सुरक्षा के लिए 4 गार्ड्स ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ 9 कुत्तों को भी लगा दिया है, जो इस बगीचे पे दिन रात अपनी नजर टिकाए हुए हैं। डॉग्स की संख्या भी बढ़ाई है, पहले 1 हमारे यहाँ डॉग थे तो अभी इस साल 9 हैं ईश्वर की कृपा से। खुद भी गार्ड करना पड़ता, रात में गार्ड्स क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं रात भर उठ के चेक करना पड़ता, जाना पड़ता। दरअसल ये मियाजा की आम के पेड़ हैं। ये आम दुनिया का सबसे महंगा आम है जिसे खाने से पहले भी आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। बता दें कि वैश्विक बाजार में 1 किलो मियाजाकी आम की कीमत 2,70,000 रुपए है। दरअसल कुछ साल पहले संकल्प परिहार और उनकी पत्नी ने अपने बगीचे में आम के 2 पेड़ लगाए। हालांकि वो इस बात से अनजान थे कि ये पेड़ मियाजाकी आम के हैं। पेड़ बड़ा हुआ तो इनके रंग को देखते हुए इनकी पहचान जापान के मियाजाकी आम के रूप में हुई। उन्हें पता नहीं था कि ये दुनिया के सबसे महंगे आम का पेड़ है। परिहार का कहना है कि इन पेड़ों पे लगने वाले आमों की किस्म के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका नाम अपनी माँ के नाम पे यानी कि दामिनी रख दिया। जी हाँ, मुंबई से आई थी, मैंने जैसे पहले भी बताया है 21,000 में उसको मांगा गया था। और एक क्वेरी और अभी रिसेंटली आई है, तो मुंबई से किसी ज्वेलर ने अपने परिचित ज्वेलर को यहाँ पर भेजा था, जैसा उन्होंने बताया वो ज्वेलरी का काम करते हैं, मतलब ज्वेलरी की शॉप है उनकी, और उन्होंने मांगा था तो मैंने सारा विनम्रता से हाथ जोड़ के मना किया कि इस साल उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा मुंबई के एक ज्वेलर ने इस आम के लिए मुंह मांगी कीमत देने की पेशकश की, वहीं एक व्यापारी एक आम के लिए 21,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गया। परिहार की पत्नी रानी का कहना है कि दोनों पति पत्नी ने किसी भी कीमत पर आम बेचने को मना कर दिया। वो इन आमों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए करने वाले हैं। मध्य प्रदेश हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर RS कटारा ने बताया कि उन्होंने आमों को देखा, ये आम भारत में दुर्लभ है, ये आम महंगे हैं इसलिए क्योंकि इनका उत्पादन बहुत ही कम होता है।